वेलकम माई वेरी वेरी प्रेशर स्पाइसीज़ कैसे हैं आप सब स्पाइसीज़ आई रियली डू होप कि आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे स्टेट ऑफ माइंड में होंगे पाइसीज़ एंड आई प्रे कि आपका नवंबर का मंथ बहुत ही अच्छा गुजरे और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ और ब्लेसिंग्स आए आपकी लाइफ में पाइसीज़ और ये जो आपकी रीडिंग है ये रीडिंग है नवम्बर की लव रीडिंग ये रीडिंग दो पार्ट्स में डिवाइडेड है पाइसीज़ जो पार्ट वन होगा उसमें हम आपकी लव लाइफ़ की जनरल प्रडिक्शन्स करेंगे जनरल एनर्जीज़ देखेंगे कि क्या सारी चीज़ें लव लाइफ़ में आपके हो सकती हैं एनर्जी चेक इन करेंगे कौन लोग दिख रहे हैं आप कैसा फ़ील कर रहे हैं और क्या छोटी बड़ी चीज़ें हो सकती हैं नवंबर में ओके okay, तो बहुत ही जनरलाइज मैसेजेस लेंगे हम पार्ट वन में और जो आपकी रीडिंग का पार्ट टू होगा उसमें हम आपकी लव लाइफ़ का पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर आउटकम और आपके पर्सन की फीलिंग्स देखेंगे मतलब जो पार्ट टू होगा उसमें हम एक स्टोरी लाइन को फॉलो करेंगे और जो पार्ट वन होगा उसमें हम जनरल एनर्जीज देखेंगे ओके okay? और एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि ये एक अगेन ये एक जनरल प्रोडिक्शन है तो ओनली टेक वॉट रेजनेट्स जितना आप रिलेट कर पा रहे हैं उतना ही खुद पे लें ऐसा भी पॉसिबल है कि अगर आप पार्ट वन से रिलेट कर रहे हैं तो हो सकता है पार्ट टू से रिलेट ना करें और पार्ट टू से रिलेट कर रहे हैं तो हो सकता है वन से ना करें यहाँ फिर बहुत ही हाई चांसेस हैं कि आप दोनों पार्ट से रिलेट करें ओके okay? ये बोलना इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि बहुत सारे लोग रीडिंग्स को देखने वाले हैं और ज़रूरी नहीं है कि हर एक की स्टोरी एकदम सिमिलर हो रहीट right? इसीलिए ये बोलना ज़रूरी है सो द फर्स्ट कार्ड वी हैव इज़ वर्थ वेटिंग फॉर डिवाइन टाइमिंग इज एट वर्क इन योर लव लाइफ ओके जो पहला कार्ड आया है वो बता रहा है कि अगर आपको लव लाइफ में अपने वेट करना पड़ रहा है तो ये अच्छी बात है ये बात ख़राब बात नहीं है ये अच्छी बात है कि आपको वेट करना पड़ रहा है बिकॉज आपकी लव लाइफ में जो चीज़ें हैं वो डिवाइन टाइमिंग के हिसाब से हो रही हैं पाईसी तो अगर वर्थ वेटिंग फॉर मतलब वर्थ इट है अगर आप अपनी लव लाइफ़ में किसी का वेट कर रहे हैं या फिर अपने सोलमेट का वेट कर रहे हैं या फिर आप रिलेशनशिप में आना चाहते हैं तो थोड़ा इंतज़ार करिए चीज़ें आपकी लव लाइफ़ में डिवाइन टाइमिंग के हिसाब से हो रही हैं उसके बाद ओम माई god. Mm. ओके okay. सो so, जितनी भी मैंने रीडिंग की है फर्स्ट टाइम वेडिंग का कार्ड आया है और वेडिंग का कार्ड ये बता रहा है कि जिस हो सकता है कि आपको इतना टाइम इसीलिए लग रहा है अपनी लव लाइफ में किसी को मैनिफेस्ट करने में बिकॉज ये कनेक्शन बहुत ही ज़्यादा परमानेंट होने वाला है दिस सिचुएशन इन्वॉल्वस मैरिज बिकॉज नेक्स्ट जो पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है शायद वो नवम्बर में ही मैनिफेस्ट हो जाए आई डोंट नो मतलब जिस भी पर्सन के साथ शायद आप नवम्बर में मिलेंगे या फिर नवम्बर में हैं देर आर हाई चांसेस के आपकी बहुत ही आपका बहुत ही लॉन्ग टर्म कनेक्शन हो उस पर्सन के साथ में लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बन जाए आपका उस पर्सन के साथ में तो वेडिंग सिर्फ वेडिंग नहीं बता रहा है ये एनर्जी ऐसा बता रहा है कि ये कनेक्शन आपका इस पर्सन के साथ में बहुत ही लॉन्ग टर्म रहने वाला है जिससे आप नवंबर में डील करेंगे या फिर जिसका आप वेट कर रहे हैं या फिर जो आने वाला है आई डोंट नो कौन आने वाला है बट डिवाइन टाइमिंग के हिसाब से कोई आ रहा है और ये कनेक्शन आपका बहुत ही लॉन्ग टर्म चलने वाला है कॉलिंग इन योर सोलमेट कितने एक जैसे कार्ड आ रहे हैं वाओ कॉलिंग इन योर सोलमेट आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं आप में से जितने भी पाइसिस हैं जो प्रेयर कर रहे हैं अपने सोलमेट के लिए जो विजुअलाइज कर रहे हैं जो अफॉर्मेशंस बोल रहे हैं ये सारी चीज़ें हेल्प कर रही हैं आपकी लव लाइफ को स्पीडअप करने के लिए और आपके सोलमेट को एक्चुअली आपकी लाइफ में लाने के लिए कॉलिंग इन योर सोलमेट आप अपने सोलमेट को कॉल कर रहे हैं और अपने मैनिफेस्टेशंस के टूल यूज़ कर रहे हैं इज़ इट सेफ इट इज़ सेफ़ फॉर यू टू लव ओपन योर हार्ट टू गिव एंड रिसीव द हाइएस्ट एनर्जी ऑफ ऑल ओके okay. आप में से कुछ लोग हैं जिनका हार्ट चक्रा थोड़ा सा ब्लॉक्ड है पाइसीज जो थोड़े से ब्लॉक्ड हैं अपनी लव लाइफ में अब ब्लॉक ब्लॉकेज कैसे हो सकता है ब्लॉकेज कुछ पास्ट एक्सपीरियंसेस की वजह से हो सकता है ब्लॉकेज कुछ पास्ट अम, सिटेशन की वजह से हो सकता है बट यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि ओपन रहिए, अपनी लव लाइफ़ में ब्लेसिंग्स को रिसीव करने के लिए ओपन रहिए, और इट्स सेफ फॉर यू टू लव आपके लिए सेफ़ है किसी को प्यार करना किसी से लव एनर्जी को एक्सचेंज करना तो डरिए मत अगर आपकी लाइफ में कोई आता है आपको किस, कोई पसंद आता है कोई आपको पसंद करता है तो उस चीज़ को एक्सप्लोर जर, ज़रूर करिए डरिए मत ओके okay? पास लाइफ रिलेशनशिप यू हैव नोन ईच अदर बिफोर ओके तो जिस पर्सन से आप नवंबर में डील कर रहे हैं उसके साथ आपका पास लाइफ कनेक्शन हो सकता है और आप उस पर्सन को काफ़ी समय से जानते हैं सिर्फ इस जन्म से नहीं पिछले जन्म से जानते हैं यू डिज़र्व लव यू आर लवेबल ओके तो बहुत ही ज़्यादा सिमिलर इस वाले कार्ड से ये एनर्जी आई है और ये एनर्जी बोल रही है कि इट यू आर लवेबल यू डिज़र्व लव तो आप में से कुछ लोग अभी शायद से लाइफ के ऐसे फेज में um, खड़े हैं जहाँ पे आपने अपनी लव लाइफ़ में थोड़ा सा होप लूज़ किया है या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि आम, मेरी लाइफ में कोई नहीं आएगा या फिर मुझे अपनी लाइफ में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा या फिर कभी कोई ऐसा रिलेशनशिप नहीं मिलेगा जिसमें कोई पर्सन मुझे बहुत ज़्यादा प्यार दे मुझे इम्पॉर्टेंस दे या मुझे वैल्यू दे प्लीज़ ऐसा मत सोचिए आप एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा रिलेशनशिप डिज़र्व करते हैं स्पाइसिस और आपको ज़रूर मिलेगा लिखा हुआ है आपकी डेस्टिनी में थोड़ा सा टाइम ज़रूर लग सकता है बट आप लव डिजर्व करते हैं आप लवेबल हैं पास्ट के अगर रिलेशनशिप वर्कआउट नहीं किए हैं तो उसमें आपकी कोई गलती नहीं है अगर पास्ट के रिलेशनशिप वर्कआउट नहीं किए हैं इसका मतलब ये नहीं है कि आप लवेबल नहीं हैं इसका मतलब ये नहीं है कि आप में कोई कमी है ओके okay? ये रिमाइंडर है आपके लिए कि नो no मैटर आप अपनी लव लाइफ में कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं आप लव डिजर्व करते हैं और आपको लव जरूर मिलेगा अनकंडीशनल उसके बाद है डेथ एंड रीबर्थ ओके पाइसी तो मेन एनर्जी आपकी लव लाइफ की जो हमें नवंबर में दिख रही है वो डेथ और रीबर्थ है और मुझे ये कार्ड बहुत ही ज्यादा पसंद है बिकॉज इसमें डेथ के साथ रीबर्थ लिखा हुआ रहता है तो सिर्फ सिट सिचुएशन uh, एंड नहीं हो रही है कोई नई सिचुएशन शुरू भी हो रही है कोई एनर्जी ट्रांसफॉर्म हो रही है तो पिछले कुछ दिनों में अगर आपने कोई एंडिंग देखी है अपनी लव लाइफ में तो नवंबर का मंथ रहेगा जब चीज़ें शुरू होंगी या फिर चीज़ें यू नो आपकी लाइफ आपकी लव लाइफ वापस से फ्लो होना शुरू होगी और उस आपकी लव लाइफ की जाएगी तो जहाँ पे भी आप स्टैंड करते हैं अगर पास्ट में कुछ एंडिंग्स हुई हैं उन लोगों के लिए मैसेज है कि कुछ यहाँ ओ माई गॉड ओ माई गॉड ओके सो कुछ यहाँ पे शुरू होते हुए दिख रहा है आपकी लव लाइफ आगे बढ़ते हुए दिख रही है और स्टकनेस से निकलते हुए दिख रही है यहाँ पे द सन की एनर्जी है द सन की एनर्जी बता रही है कि आप नवम्बर में अपनी लव लाइफ को लेकर बहुत अच्छा फील करने वाले हैं हो सकता है आप किसी पर्सन से बात करें वो आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी लेके आए और बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस लेके आए बिकॉज द सन इज़ द हैप्पीस्ट कार्ड ऑफ़ द डेक सो यहाँ पे आप खुश दिख रहे हैं किसी पर्सन के साथ अपने टाइम को इन्जॉय कर रहे हैं इज़ इट अ कोइंसिडेंस कि यहाँ पर वर्थ वेटिंग फॉर के कंजंक्शन में डेथ एंड रीबर्थ आया है मतलब येस आपको वेट इसी लिए करना पड़ रहा है क्योंकि आपकी लव लाइफ बड़े ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रही है और वेडिंग वाले कार्ड के नीचे दस साल आया है मतलब यस हो सकता है कि आप किसी ऐसे पर्सन से मिलें इस महीना या फिर ऐसे पर्सन के साथ टाइम स्पेंड करें जिनके साथ आपका कनेक्शन बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म हो उसके बाद यहाँ है कॉलिंग ओ माई गॉड कॉलिंग इन योर सोलमेट Uh, यहाँ पे सिक्स ऑफ कप्स की एनर्जी है सिक्स ऑफ कप्स की एनर्जी बताता है कि देर आर हाई चांसेस कि आप किसी के ऐसे पर्सन के साथ कनेक्शन में आए जिसको आप पास्ट लाइफ से जानते हैं बिकॉज सिक्स ऑफ कप्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग पास्ट लाइफ कनेक्शन बताता है या फिर सिक्स ऑफ कप्स कोई बहुत ही पुराना कनेक्शन भी बताता है कि आप किसी को बहुत ही पहले से जानते थे बीच में आप आपने बात करना बंद कर दिया था इस पर्सन से पर ये पर्सन वापस से इमर्ज हो सकता है तो दोनों चीज़ें पॉसिबल हैं कि या तो आप एक्चुअली किसी पास्ट लाइफ अपने पार्टनर से मिले या फिर आपकी प्रेजेंट लाइफ का कोई बहुत ही पुराना सा कनेक्शन है वो वापस से रिकंडल हो जाए और कोई आपको मिस भी कर रहा है कोई आपको याद भी कर रहा है यहाँ पे नवंबर में वी हैव फोर ऑफ वांस ओ माई गॉड ऑफ वांस अगेन सोलमेट का कार्ड होता है ट्विन फ्लेम का कार्ड होता है और सेलिब्रेशन का कार्ड होता है तो आप नवंबर में किसी पर्सन के साथ में अच्छा टाइम स्पेंड कर करते हुए दिख रहे हैं जो पर्सन को आप पहले से जानते हैं पाइसी वेरी पॉजिटिव एस ऑफ शॉर्ट्स और क्वीन ऑफ पेंटिकल ए ऑफ शॉर्ट्स बता रहे हैं कि आप क्लैरिटी सीख कर रहे हैं नवंबर में आप जानने और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या डिसीज़न लेना आपके लिए सही रहेगा लव लाइफ में आगे आपको कैसे बढ़ना है आ, यहाँ पे बहुत ज़्यादा आप अपने आप के साथ बैठ रहे हैं सॉलीट्यूड में बैठ रहे हैं और लाइफ को समझने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर डीप थिंकिंग करते हुए दिख रहे हैं नवम्बर ऐसा टाइम होगा जहाँ पर आपको मेजर क्लैरिटी मिलेगी अपनी लव लाइफ में आपको समझ में आएगा कि चीज़ें जो हुई थी वो क्यों हुई थी और अब आगे क्या होने वाला है या फिर क्या करना चाहिए तो आप खुद के साथ बातें करते हुए दिख रहे हैं खुद से खुद की लव लाइफ को अंडरस्टैंड करते हुए दिख रहे हैं और समझते हुए दिख रहे हैं और उसके बाद यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल की भी एनर्जी है क्वीन ऑफ़ पेंटिकल की एनर्जी बता रही है कि आप अपनी लव लाइफ़ में काफ़ी स्टेबल फील करने वाले हैं काम फ़ील करने वाले हैं पॉजिटिव फ़ील करने वाले हैं चाहे हो सकता है कि आप वेटिंग पीरियड में हो आप किसी पर्सन का वेट कर रहे हो सकता है कि आप सिंगल हों और आप किसी पर्सन का वेट कर रहे हो कुछ भी हो सकता है बट यहाँ पे जो नवंबर का महीना है वो काम एनर्जी पीसफुल एनर्जी आ, और स्टेबल एनर्जी लेके आएगा मतलब पिछले कुछ महीनों में अगर आपकी लव लाइफ बहुत ज़्यादा वोलेटाइल रही है जहाँ पे कंटिन्यूसली कुछ ना कुछ हो रहा है अप्स एंड डाउन्स आ रहे हैं तो ये वाला मंथ काफ़ी पीसफुल आपका जाने वाला है जहाँ पे यू विल बी एट पीस विथ योर एट द सेम टाइम यहाँ पर अगर आपकी लाइफ में कोई वर्गो टॉरस या कैप्रिकॉन है दैट इज़ कन्या राशि वृशिक राशि Uh, या फिर मकर राशि तो उस पर्सन से रिलेटेड आपको मेजर क्लैरिटी मिल सकती है पाइसिस नवंबर में उसके बाद हमारे पास है एस ऑफ सी 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 <laughs> यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल आया है और द टावर आया है यहाँ पे आपको आपकी लाइफ में टावर सिचुएशन आई थी जहाँ पे चीज़ें आपकी कोलैप्स हुई थी और यहाँ पे आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है आपकी लव लाइफ़ में स्टेबल अपॉर्चुनिटी अगेन स्टेबल अपॉर्चुनिटी मतलब कोई आपके साथ में कोई पर्सन है जो आपको नवम्बर में ऑफ़र देगा और ये पर्सन आपके साथ लॉन्ग टर्म कनेक्शन रखने के लिए आपको ऑफ़र देगा ये ऑफ़र आपकी वेडिंग के लिए भी हो सकता है टू बी ऑनेस्ट अगर आप शादी के लिए सर्च कर रहे हैं तो हो सकता है आपको अच्छा कोई प्रॉस्पेक्ट मिले या फिर अपॉर्चुनिटी मिले बिकॉज एस ऑफ पेंटिकल नई शुरुआत स्टेबिलिटी की बताता है और स्टेबिलिटी मतलब मैरिज होता है या फिर लॉन्ग टर्म कमिटमेंट होता है तो यहाँ पर कुछ आपकी लव लाइफ में अपॉर्चुनिटी आ रही है जो स्टेबिलिटी से रिलेटेड है बट यहाँ पर साथ में टावर भी है तो बहुत ही डिपेंड करेगा आप सब पे कि आप ये अपॉर्चुनिटी को ले लेते हैं या नहीं लेते हैं आप में से कुछ लोग इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैप करते हुए दिख रहे हैं और आप में से कुछ लोग वेट ही करते हुए दिख रहे हैं आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं मुझे ये वाला ऑफर नहीं चाहिए दिस इज नॉट गुड इनफ मुझे कुछ और चाहिए तो यहाँ पे आप में से कुछ लोग टू ऑफ वांस की एनर्जी में दिख रहे हैं जहां पर आप फिर से वेट करते हुए वे दिख रहे हैं जो मिल रहा है उससे आप सेटिस्फाइड नहीं दिख रहे हैं और ये जो टू ऑफ वांस की एनर्जी है ये एनर्जी वेटिंग की एनर्जी है और ये एनर्जी इंतज़ार करने की एनर्जी है ये एनर्जी डिसीज़न लेने की एनर्जी है कि किस रास्ते पे जाना है किस रास्ते पे नहीं जाना है और जैसे हमें यहाँ पे दिख रहा था कि आप बहुत ज़्यादा थिंक थिंकिंग चल रही है यहाँ पे आपकी नवंबर में भी आपकी थिंकिंग ही चल रही है uh, मुझे लग रहा है कि आप में से कुछ लोग जो डिसीज़न अपनी लव लाइफ में ले लेंगे वो आगे बढ़ जाएंगे नवम्बर में आप में से कुछ लोग जो ऐसे होंगे जो आपको लगेगा कि जो ऑफर आपको, आपको मिल रहा है दैट इज़ नॉट गुड इनअ तो आप थोड़ा सा और वेट करने वाले हैं उसके बाद में यहां पे से आ, आपकी लाइफ में डेवल एनर्जी दिख रही है सी आ, यहाँ पे मैंने देखा था कि आपको कुछ अपॉर्चुनिटी या ऑफर मिल रहा है आप शायद उसे ग्रैब नहीं कर रहे हैं आपको कुछ और चाहिए आप उस चीज़ पे फोकस कर रहे हैं पर आपको जो कुछ और चाहिए वो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा वेट करा रही है और आ, यहाँ पे आप थोड़ा सा परेशान लग रहे हैं क्योंकि वेट आपको अपनी लव लाइफ में बहुत ज़्यादा करना पड़ रहा है और थोड़े से आप परेशान हैं जो पास्ट में हुआ है शायद उसको लेके भी परेशान है बट जो मेजर परेशानी आपकी लाइफ में दिख रही है वाइसीस वो इस सेवन ऑफ शॉर्ट्स की वजह से दिख रही है ये सेवन ऑफ शॉर्ट्स की एनर्जी किसी पर्सन की है जो आपको इग्नोर कर रहा है जिसने शायद से आपसे कुछ झूठ बोला है शायद से आपसे कुछ बातें छुपाई हैं या फिर अगर बहुत ही हैवी एनर्जी अगर हम सेवन ऑफ शॉर्ट्स की देखें तो वो लाइंग और चीटिंग भी होता है बट ये सबके लिए नहीं होगा ये बस स्नीकीनेस है और स्नीकीनेस की इंटेंसिटी क्या थी आपकी लाइफ में जो पर्सन था या है उसकी अभी बोलना या बताना मुश्किल है आप सबके लिए अलग अलग होगा बट आप परेशान इसीलिए हैं क्योंकि किसी पर्सन ने या तो आपको इग्नोर किया है कोई आपको छोड़ के चला गया है या फिर आपको किसी ने बिट्रे किया है और ये पर्सन डेविल की एनर्जी में दिख रहा है मतलब कि देर आर हाई चांसेस कि ये पर्सन आपके लिए बहुत ज़्यादा टॉक्सिक था आपको डोमिनेट करता था या फिर Uh, कई बार आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट पे अटैक किया है इस पर्सन ने या फिर ये कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है या फिर आप किसी ऐसे इंसान को पसंद करते हैं जो ऑलरेडी किसी और रिलेशनशिप में है ये कोई भी टॉक्सिसिटी uh, बता सकता है ये कार्ड बट यस डेविल की एनर्जी एग्जिस्ट कर रही है आपकी लाइफ में एंड यू हैव टू लाइक डील विद इट मतलब कि डील विद इट मतलब कि अगर आपको लग रहा है कि ये पर्सन जिस पर्सन से आप डील कर रहे हैं या जिसका आप वेट कर रहे हैं पर्सन बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक है या फिर आपको अगर इस पर्सन में बहुत सारे रेड फ्लैग्स दिखे हैं या फिर आपको लगता है कि इस पर्सन के साथ रहना बहुत ही रिस्की है आपको हो सकता है अपनी लव लाइफ़ में बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़े तो आ, हो सकता है कि यहाँ पे लाइफ या डिवाइन आपको बोलें कि प्लीज़ एक प्रॉपर डिसीज़न लीजिए क्या आप इस डेविल एनर्जी में रहना चाहते हैं या फिर आप आ, आ, कुछ नया मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं तो आ, थोड़ा सा आपका थॉट प्रोसेस यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहने वाला है बिकॉज़ अगर आप इस डेविल एनर्जी का ही वेट कर रहे हैं अपनी लाइफ में इसी पर्सन का वेट कर रहे हैं तो हम सेकेंड पार्ट में देखेंगे कि कैसे कार्ड्स रिलेटेड आ सकते हैं आते हैं बट अभी मुझे दिख रहा है कि अगर आपकी लाइफ में कोई टॉक्सिसिटी है तो वो टॉक्सिसिटी आपको फर्दर थोड़ा सा परेशान कर सकती है तो अपने डिसीज़न थोड़ा सा अ, मेरे प्यारे उपाय सोच समझ के लीजिए अब हम सेकेंड पार्ट पर आते हैं आपकी रीडिंग के हाँ, और आपकी रीडिंग reading... का आपकी लव लाइफ़ का पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर देखते हैं मुझे एक्चुअली ये एनर्जीज़ अच्छी नहीं लगती हैं यहाँ पे सेवन ऑफ साट्स है और द डेविल है क्लियरली समझ में आ रहा है कि कोई पर्सन आपकी लाइफ में है जो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है बट आई अंडरस्टैंड आपकी फ़ीलिंग्स हैं और आपकी इमोशंस जुड़े हुए हैं और ऐसे टाइम पर मुझे पता है कि अगर मैं कुछ भी आपको बोलूंगी तो आपको अच्छा नहीं लगेगा अगर आपके इमोशंस अटैच्ड हैं इस पर्सन से तो बट आई एम अ फीलिंग लाइक के ओके एनी वेज लेट्स यू चलिए अब सबसे पहले तो मैं आपको सबसे स्पेशल बात बताती हूँ आपकी रीडिंग की और वो स्पेशल चीज़ है आपका फ्यूचर फ्यूचर में दो इम्पॉर्टेंट से कार्ड्स आए हैं एक व्हील ऑफ फॉर्चून है और दूसरा सिक्स ऑफ कप्स है सिक्स ऑफ कप्स पहले भी आया था आपकी रीडिंग में और यहाँ पे ये दोनों कार्ड साथ में आके बता रहे हैं कि आपकी डेस्टिनी या डिवाइन कुछ ऐसा गेम खेल रहे हैं आपकी लाइफ में कि आप अपने सोलमेट से मिल जाएं ओके okay. अब यहाँ पे सिक्स ऑफ कप्स है सिक्स ऑफ कप्स कोई पास लाइफ कनेक्शन बता रहा है या फिर ऑलरेडी uh, कोई ऐसा पर्सन जिससे बहुत टाइम से आप डिटैच थे वो पर्सन भी ये हो सकता है एट दिस पॉइंट ये कहना बिल्कुल इम्पॉसिबल है कि सच में कोई पास्ट लाइफ का कोई नया पर्सन आ रहा है या फिर इसी लाइफ का कोई पास्ट पर्सन आ रहा है तो मैं बिल्कुल भी मन से गेसिंग गेम यहाँ पे नहीं खेलूंगी और मुझे पता है कि ऐसे कार्ड्स तब आते हैं जब जितने भी लोग ये रीडिंग देख रहे हैं सबके सिनारी अलग अलग होते हैं लाइफ में तब ओके तो दिस इज डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड कि ये कौन सा पर्सन है बट डेस्टिनी इज़ हेल्पिंग यू डिवाइन इज़ हेल्पिंग यू टू मीट योर ट्रू सोलमेट और योर परमानेंट पार्टनर जो परमानेंट पार्टनर है जिसके साथ आपको जिंदगी भर रहना है डेस्टनी आपको उस पर्सन से मिलवाने वाली है और ये फ्यूचर में दिख रहा है फ्यूचर में जो आउटकम है आपकी लव लाइफ का जो आउटकम है उसमें बता दिख रहा है कि बहुत स्ट्रगल्स के बाद में आप एक ऐसे कनेक्शन में आ रहे हो जहाँ पे इक्वल गिव एंड टेक है ओके okay? जितना प्यार आप डिज़र्व कर रहे हो उतना प्यार आपको मिल रहा है स्पेशली अगर आप वो पर्सन हैं जिसने जो हमेशा ये बोलता है कि मैं सारे कनेक्शन में इतने ज़्यादा एफ़र्ट लगाता हूँ या लगाती हूँ और uh, मुझे ही सारे एफर्ट लगाने पड़ते हैं मैंने इस पर्सन को इतना अनकंडीशनल लव दिया मैंने इतना सपोर्ट दिया मैंने इतना केयर किया मुझे कभी ये रिटर्न में मिलेगा तो आपकी डेस्टिनी में वो इक्वल गिव एंड टेक लिखा हुआ है पाइसीज uh, और वो बहुत ही क्लियरली दिख रहा है तो एक चीज़ तो हमें क्लियर हो गई है कि येस यू डिज़र्व लव यू आर लवेबल और uh, दूसरा कार्ड यहाँ पे आया था इट इज़ सेफ़ फॉर यू टू लव राइट और यहाँ पे पास लाइफ रिलेशनशिप भी आया था मतलब कि आपकी डस्टनी आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन से मिलवाएगी फ्यूचर में अब प्रेजेंट में क्या हो रहा है लेट्स प्रेजेंट में हमें द वर्ल्ड दिख रहा है और किंग ऑफ कप्स दिख रहा है किंग ऑफ़ कप्स आपके इमोशंस बता रहा है किंग ऑफ़ कप्स आपको भी रिप्रेजेंट करता है पाइसिस कैंसर पाइसी और स्कॉर्पियोस को तो यहाँ पे वाटर साइन दिख रहा है यहाँ पे बहुत ज़्यादा इमोशंस दिख रहे हैं आपके अटैच किसी रिलेशनशिप से यहाँ पे द वर्ल्ड है तो हो सकता है द वर्ल्ड इसीलिए आया हो क्योंकि आपके इस कनेक्शन की एक साइकिल ख़त्म हो गई हो एक सीज़न आपके कनेक्शन का ख़त्म हो गया हो और समहा आप बहुत ही फ्रीडम अभी फील कर रहे हो मुझे नहीं पता आप इतने फ्री क्यों फ़ील कर रहे हो इट्स लाइक like कि आपकी लाइफ लव लाइफ का एक चैप्टर ख़त्म हो गया और आप फ्री फील कर रहे हो तो ये दिस इज़ समथिंग बियॉन्ड कॉम्प्रिहशन कि आपको अच्छा भी लग रहा है और इमोशनली आप बेटर भी फील कर रहे हो नवंबर में ऐसा लग रहा है कि नवंबर में आपको किसी चीज़ से छुटकारा मिल गया है छुटकारा हो सकता है कि किसी रिलेशन से मिला हो छुटकारा खुद की नेगेटिव थिंकिंग से मिला हो छुटकारा किसी टॉक्सिसिटी से मिला हो आई डोंट नो बट आप यहाँ पे खुश लग रहे हैं ऐसा लग रहा है कि आपके सर पे से कोई बोझ उतर गया है बट एट द सेम टाइम आपकी लाइफ में जो पर्सन दिख रहा है वो नाइट ऑफ वांस की एनर्जी में दिख रहा है अगर आपकी लाइफ में नाइट ऑफ वांस की एनर्जी है मतलब कि यह पर्सन थोड़ा सा स्टेबल नहीं है आपकी लाइफ में तो हो सकता है ये नाइटोफांस इसीलिए आया हो क्योंकि आप किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो जो कभी आपकी लाइफ में आ जाता है कभी आपकी लाइफ से चला जाता है कभी वो ये आपको दिखाता है कि वो आप में इंटरेस्टेड है कभी आपको ये दिखाता है कि वो इंटरेस्टेड नहीं है कभी कभी तो ये पर्सन आपको मैसेज नहीं करता है बट जब मैसेज करता है तो बहुत अच्छे मैसेजेस करता है या इनडायरेक्ट हिंट देने की कोशिश करता है तो ये पर्सन जो आपकी लाइफ में दिख रहा है पाइसीज uh, ये थोड़ा सा इनडिसाइसिव दिख रहा है थोड़ा आगे पीछे ऊपर नीचे इस पर्सन की एनर्जी है बट आप अगेन बहुत ही ज़्यादा इमोशनल फील करते हैं इस पर्सन के लिए आपके बहुत सारे इमोशंस जुड़े हुए हैं इस पर्सन से अब ये पर्सन पास्ट का पर्सन हो सकता है प्रेजेंट का आई डोंट नो बट पास्ट में क्या दिख रहा है पास्ट में दिख रहा है कि आपने बहुत ही स्ट्रगल किया है अपनी लव लाइफ़ में ऐसा भी हो सकता है कि कॉन्स्टेंटली आप खड़े रहे हों अपनी लव लाइफ़ के लिए कि चाहे कोई भी प्रॉब्लम आए चाहे कोई भी इश्यूज हो मैं सॉल्व कर लूँगी या सॉल्व कर लूँगा और मैं कैसे ना कुछ ना कुछ करके मुझे बस इस कनेक्शन को वर्कआउट करवाना है ये आपकी मैंटालिटी दिख रही है पास्ट की कि जहाँ पे आपने बहुत ही ज़्यादा टफ टाइम देखा है फिर भी आपने स्टैंड लिया है हमेशा अपने पर्सन का या फिर आपके रिलेशनशिप का बट एट द सेम टाइम पास्ट में थ्री ऑफ शॉट्स की एनर्जी भी है जो हार्ट ब्रेक बताता है अब आपकी लव लाइफ का जो चैलेंज दिख रहा है कि मुश्किल क्या आने वाली है नवंबर में सबसे बड़ा चैलेंज क्या है उसमें टेन ऑफ शॉर्ट्स दिख रहा है टेन ऑफ शॉर्ट्स आपके चैलेंज में आया है मतलब कि चैलेंज ये होगा कि आपको डाइजेस्ट करना पड़ेगा जो पास्ट में चीज़ें हैं उसको या एक्सेप्ट करना पड़ेगा वो आपके लिए थोड़ा सा इमोशनली मुश्किल होने वाला है इवन दो इन सारे नेगेटिव इमोशन से आप नवंबर में फ्रीडम फील करते हुए दिख रहे हैं जहाँ आप निकलेंगे इन सारे इमोशंस से जो भी नेगेटिव हुआ है पास्ट में या जो भी नेगेटिव आपने फील किया है तो यहाँ पर ये आपकी प्रॉब्लम दिख रही है ये चैलेंज दिख रहा है टेन ऑफ शॉर्ट्स अब आप टेन ऑफ शॉर्ट्स के कार्ड को देखोगे तो यहाँ पे बहुत सारी सॉर्ट्स हैं आ, ये सॉर्ट्स पेन बता रही हैं जो आपने झेला है और यहाँ पे एक पर्सन है जो आपको इस सिचुएशन में छोड़ के चला गया है मतलब किसी ने आपको बिट्रे किया किसी ने आपको तकलीफ़ पहुँचाई और उसके बाद आप यू नो आपसे थोड़ा सा अलग हो गया या इसने आपके पेन को रिकॉग्नाइज नहीं किया और यहाँ पे रिजम्बलेंस दिख रही है आपको कुछ ओके okay. अब यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ थी जो मैंने देखी थी एंड आई वॉन्ट टू हाँ अब ये यह देखिए यहाँ पे भी हमने ये एनर्जी देखी थी स्नीकीनेस वाली कि कोई पर्सन जा रहा है बस मुंह चुरा के जा रहा है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रहा है तो ये इस चीज़ को एक्सेप्ट करना कि किसी पर्सन ने ऐसा किया है येस आपके साथ में ये आपके लिए डिफ़िकल्ट हो सकता है बट एट द सेम टाइम आपका जो स्ट्रेंथ है या पॉजिटिविटी जो आपकी लव लाइफ में है वो फोर ऑफ वांस है ये आपका सोलमेट आपकी पॉजिटिविटी है तो आई डोंट नो आपका सोलमेट कौन है बट यहाँ पर आपकी स्ट्रेंथ में आपका सोलमेट दिख रहा है तो आप क्या सोलमेट ये है या फिर कोई नया पर्सन है आपका सोलमेट मुझे नहीं पता बट आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी लेके आपका सोलमेट आएगा और यहाँ पे आप में से कुछ लोग एस ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में दिख रहे हैं जहाँ पर आपको कोई ऑफ़र मिल रहा है येस शायद से नवंबर में ही आपको ये ऑफ़र मिल जाए और आप उस ऑफर को एक्सप्लोर भी कर रहे हैं तो अगेन जो हमने फर्स्ट हाफ में आपकी रीडिंग के डिस्कस किया था कि आपको कोई ऑफर मिलेगा आप में से कुछ लोग लेंगे आप में से कुछ लोग नहीं लेंगे बट आप में से कुछ लोग इस ऑफ़र को होल्ड आपने कर लिया है हाथ में और आप समझने की कोशिश कर रहे हो कि इस ऑफ़र को लेना है या नहीं लेना है बट जो आपके होप्स हैं होप क्या कर रहे हो आप होप में जजमेंट है आपके होप में है कि आप आपका जो पुराना कनेक्शन है आप में से बहुत सारे लोगों के होप्स में है कि आपका जो पुराना कनेक्शन है वो वापस से रिकिंडल हो जाए आप ये चाहते हैं तो ये चीज़ <laughs> इसीलिए आपके होप्स में दिख रही है तो यहाँ पे दोनों पॉसिबिलिटीज़ है आप एक ट्रांज़िशन से गुजर रहे हो डेथ एंड रीबर्थ के और बहुत सारे डिसीजंस आपके खुद के रहेंगे आपकी लव लाइफ़ में आपकी खुद की अंडरस्टैंडिंग से आप डिसीज़न लोगे इसीलिए आप यहाँ पे सोचते हुए दिख रहे थे इस वाले कार्ड से कि आप दिमाग में समझने की कोशिश कर रहे हो कि आपको क्या करना है यहाँ पर आप सोचते हुए दिख रहे हो यू you नो know, आप समझने की कोशिश कर रहे हो कि आपको क्या करना है तो बहुत ज़्यादा सोचने समझने में नवंबर का महीना आपका जा रहा है बट कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी फीलिंग्स जो नेगेटिव फीलिंग्स हैं उससे आप लोग छुटकारा पा लेंगे और आप बहुत ही बेटर फील करेंगे और आप में से कुछ लोग हैं जिन्हें ऑफ़र ये ऑलरेडी नवम्बर में मिल जाएगा ये पर्सन आपका सोलमेट हो सकता है तो इस ऑफ़र को एक्सप्लोर ज़रूर करिएगा और आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो इस ऑफ़र को डिनाई कर देंगे अगर आप में से कुछ लोग अपने सोलमेट के ऑफ़र को डिनाई करेंगे तो डेस्टिनी आप आपको वापस से उस पर्सन की तरफ लेके जाएगी और वापस से याद दिलाएगी कि इस पर्सन को एक चांस दीजिए और ये बातें ऐसी हैं जो मुझे आपको बतानी नहीं चाहिए बिकॉज कुछ चीज़ें नेचुरली अनफोल्ड होनी चाहिए राइट तो अगर आप किसी ऑफ़र को ठुकरा भी रहे हैं तो फ्यूचर में अगर वो एक्चुअली पर्सन आपका सोलवेंट है तो फ्यूचर में वापस से वो पर्सन अपीयर होगा और वापस से वो ऑफ़र आपकी लाइफ में अपीयर होगा डेस्टिनी इज़ एट प्ले तो यहाँ इसीलिए मैं थोड़ा सा सेफ़ फील कर रही हूँ कि अगर आप कोई गलत डिसीज़न ले भी लोगे और वो चीज़ अगर आपकी डेस्टिनी में लिखी है तो वो वापस से अपीयर हो जाएगी इसीलिए मैं थोड़ी सी यू नो आपकी लाइफ को लेके अभी थोड़ी सी वो हूँ केयर फ्री हूँ कि हाँ ठीक है आप कर लो आपको यहाँ पर जो भी करना है बट एट द एंड एंड अप तो अपने सोलमेट के साथ ही होने वाले हो अब जो पर्सन आपकी लाइफ में दिख रहा है आपके पर्सन की जगह पे वहाँ पे फाइफ ऑफ पेंटिकल आया है जिस पर्सन से आप बहुत समय से डील कर रहे हैं वो पर्सन थोड़ा सा आइसोलेटेड अपनी लाइफ में फ़ील कर रहा है थोड़ा सा खराब अपनी लाइफ में फील कर रहा है और बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी इस पर्सन की नहीं है और मैं जानना चाहती हूँ कि ये पर्सन और क्या फ़ील कर रहे हैं थोड़ा अकेलापन फील कर रहे हैं ये नवम्बर में ये पर्सन थोड़ा अकेलापन फील कर रहे, है। फील कर रहे है। ये गिल्ट भी हो सकता है कि आपके पास पर्सन को रियलाइज़ हो गया हो कि उन्होंने कुछ गलत किया है या ऐसा कुछ एनर्जी भी हो सकती है बट डेफिनेटली ये पर्सन अभी अच्छा तो फील नहीं कर रहा है। अगर आप क्रॉस वॉचर है तो हमेशा ध्यान रखिए कि एनर्जीज इंटरचेंज हो सकती हैं ओके okay, इस पर्सन से आपका बॉन्ड है काफी पुराना फ्रेंडशिप है यह पर्सन एरीज लियो या याजिटेरियस हो सकता है यह पर्सन इस कनेक्शन पे वर्क करना चाहता है और ये okay. पर्सन वर्गो टॉरस या कैप्रिकॉन भी हो सकता है अब यहाँ पे कैच ये है पर ये पर्सन अभी कोई एक्शन नहीं ले रहा है ये अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं आपके टुवर्ड्स एक्शन लेने के लिए अब ये सारे कार्ड्स देख के समझ में आ रहा है कि ये आपके नए पर्सन भी हो सकते हैं oh गॉड ये नया नया और पुराने का जो कन्फ्यूजन है वो बहुत ही मेजर है यहाँ पर तो आपको ये महीना लगेगा समझने में और मुझे भी ये महीना लगेगा समझने में कि आखिर पाइसिस की लाइफ में हो क्या रहा है बिकॉज एक पर्सन है जो आपकी लाइफ में दिख रहा है वो अकेलापन महसूस कर रहा है आइसोलेटेड महसूस कर रहा है इस पर्सन से ऑलरेडी आपका बहुत ही अच्छा बॉन्ड है ये पर्सन फायर साइन भी हो सकता है अर्थ साइन भी हो सकता है एट द सेम टाइम ये आपके साथ में इस कनेक्शन पर वर्क करना चाहते हैं ओके चलिए आप कुछ यूनिवर्स की साइड से मैसेजेस लेते हैं आपकी लव लाइफ़ के लिए आप मुझे अपडेट देना भूल जाते हैं आपको कमेंट सेक्शन में मुझे अपडेट करना चाहिए प्लेफुलनेस लाफ्टर इज़ द बेस्ट थेरेपी हैव सम फन टुगेदर एंड रिमेंबर लव इज़ द ग्रेटेस्ट हीलर ओके तो यहाँ पे लव को एक चांस दीजिए अपनी प्लेफुल एनर्जी में रहिए थोड़ा हंसीए थोड़ा मिलिए थोड़ी लाइट हार्टेड एनर्जी में रहिए जिस भी पर्सन के साथ आप हैं पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर डजेंट मैटर ओके यूनिवर्स इम्ब्रेस थ्रू ईच अदर यू फाइंड द मिसिंग पीसेज ओके तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि जिस पर्सन के साथ आप रहने वाले हैं नवम्बर में जिसके साथ आप टाइम स्पेंड कर रहे हैं uh, एक दूसरे को इम्ब्रेस करें एक दूसरे की कमियों को इम्ब्रेस करें हर कोई इंसान परफेक्ट नहीं होता है ये अपने दिमाग में रखें पाई चीज़ उसके बाद है वैन इट कम्स टू मैटर्स ऑफ हार्ट देर इज़ नो राइट और रॉन्ग एवरी चॉइस यू मेक एक्सपैंड योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ एंड लव ये ना सोचें कि पास में मैंने गलत डिसीज़न ले लिया था अब मैंने डा गलत डिसीजन ले लिया तो क्या होगा आ, लव लाइफ में आ, सिर्फ डेस्टिनेशन का वेट मत करें मतलब कि इस चीज का वेट मत करें कि मैं मैं एंड अप किसके साथ होंगी कौन मेरे साथ फाइनली लाइफ में रहेगा आपकी लव लाइफ एक जर्नी की तरह है और उस जर्नी के हर एक पार्ट को इंजॉय करिए एल्स Uh, let there be closeness between you but always give each other a space love never claims it simply allows and gives okay क्लोज रहिए आप मेंटली और स्पिरिचुअली जिसके भी साथ क्लोज रहना चाहते हैं क्लोज रहिए बट अगर वो पर्सन आपसे स्पेस चाहता है या फिर थोड़ा सा डिस्टेंस आप दोनों के बीच में होता है तो वो उस डिस्टेंस को अलाउ करिए अगर मतलब कि कोई आपसे बात नहीं कर रहा है आपको इग्नोर नहीं कर रहा है तो लेट इट बी लव को uh, आप प्यार के साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं आप उसे बस मतलब आप उस पर्सन के साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं आप आप ओपन रह सकते हैं कि वो पर्सन आपके पास आए और अपना टाइम ले बट किसी के साथ हम फोर्स नहीं कर सकते हैं किसी को अपने साथ रखने के लिए राइट उसके बाद है इट इज़ इम्पोर्टेंट राइट नाउ टू टेक अ स्टेप बैक ओके एंड स्पेंड सम टाइम अलोन अभी आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं कि आप सिटेशन को कंट्रोल करने की कोशिश ना करें कोई भी एक्शन ना लें थोड़ा समय अपने आप के साथ बिताएं थोड़ा समय सॉलिट्यूड में बिताएं अगर टाइम लग रहा है लव लाइफ में तो लगने दें इंस्टेड ऑफ़ प्लेसिंग योर फोकस ऑन अनादर नाव इज़ द टाइम टू गिव टू योर सेल्फ इंस्टेड ऑफ़ आप कंटिन्यूसली ये फोकस करो कि वो पर्सन कब फ़ोन करेगा कब मैसेज करेगा वो क्या चाहता है क्या नहीं चाहता इट्स बेटर कि आप थोड़ा सा टाइम खुद के साथ बिताएं मतलब अगर आप पास्ट का पर्सन भी चाहते हैं या फिर अगर आप किसी कॉम्प्लिकेटेड कनेक्शन में हैं और आपके पर्सन आपसे स्पेस ले रहे हैं थोड़ा सा डिटैच फील कर रहे हैं तो उन्हें टाइम दीजिए थोड़ा कुछ भी जल्दबाजी मत करिए किसी भी चीज़ को फोर्स मत करिए गिव थैंक्स फॉर द ब्लेसिंग्स ऑफ लव सून टू कम योर वे नो दैट यू डिज़र्व टू बी एंड हैव ऑल दैट योर हार्ट ट्रूली डिज़ायर्स ओ माई गॉड ये कन ये मैसेज एकदम इस मैसेज जैसा है तो ये मैसेज बोल रहा है कि ऑलरेडी थैंक यू बोलिए ऑलरेडी ग्रैटिट्यूड दिखाइए जो प्यार अब आपकी लाइफ में आने वाला है बहुत ही जल्द जो प्यार आपकी लाइफ में आने वाला है उसके लिए ऑलरेडी थैंक यू बोलिए मतलब यस yes, आपका सोलमेट कहीं ना कहीं पे एग्जिस्ट करता है उसके लिए थैंक यू बोलिए यूनिवर्स को एंड नो दैट यू डिज़र्व लव और इस चीज़ को याद रखिए कि आप प्यार डिजर्व करते हैं और आपको पूरा हक है आपको पूरा हक है प्यार डिजर्व करने का और आपको पूरा हक़ है कि आपकी सारी डिज़ायर्स आपको मिलें ओके okay? वाओ अब कुछ और लेते हैं पाइसीज़ उसके बाद में आपको बताऊँगी यहाँ पे कौन कौन से साइंस हैं और हम अल्फाबेट्स भी लेंगे फर्दर कंफर्मेशन के लिए अगर इस रीडिंग से कोई भी वैल्यू मिली हो आपको तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा कमेंट कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा सो so दैट मुझे समझ में आए कि मैं सही ट्रैक पर हूँ और ये रीडिंग्स आपकी एक्चुअली हेल्प करती हैं राइट हम्म तो थोड़ा सा स्लो हो सकता है ये महीना थोड़ा सा टाइम लग सकता है चीज़ें फिगर आउट करने में विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स अगले कुछ हफ्तों बाद की जो एनर्जी है वो आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगी तो अगले कुछ हफ्ते स्लो हो सकते हैं उसके बाद कुछ स्पीड अप हो सकता है लेट गो कुछ आपको रिलीज़ करना है कोई पास्ट की चीज़ें हैं पास्ट के ग्रजेस हैं वो आपको रिलीज़ करना है किसी चीज़ को लेट गो करना है देर इज़ समथिंग बेटर आप में से कुछ लोगों के लिए मैसेज है कि आपके पास बहुत ही ज़्यादा अच्छे ऑप्शन हैं लव लाइफ में या फिर ऑप्शन मिलेंगे तो अगर आप अपनी लव लाइफ़ में ऐसी जगह पर स्टैंड करते हैं जहाँ पर एक कनेक्शन आपका ख़त्म हो चुका है और आप अब सोच रहे हो कि मुझे प्यार मिलेगा या नहीं कोई अच्छा पर्सन मिलेगा या नहीं तो आप जिस पर्सन के साथ थे उस उससे बेटर कंपैटिबिलिटी और लविंग पर्सन आपको मिलेगा ओके यू आर रेडी आप रेडी हैं नई ब्लेसिंग्स और अपॉर्चुनिटीज़ को रिसीव करने के लिए लुक फॉर अ साइन यूनिवर्स आपको डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पाएस साइन देने की कोशिश कर रहे हैं उन साइंस को समझिए ग्रैप करिए यूनिवर्स आपको कम्युनिकेट कर रहे हैं और हेल्प कर रहे हैं आपकी लव लाइफ़ में अब यहाँ पे जो एनर्जीज बहुत ही ज़्यादा डोमिनेंट है आपकी रीडिंग में सबसे पहले वो फायर साइन है एरीज और सैजिटेरियस मेष राशि सिंह राशि और धनु राशि दूसरा जो हमने इम्पॉर्टेंट एनर्जी देखी थी वो अर्थ की है तो यहाँ पे वर्गो टॉरस और कैप्रिकॉन मतलब कि कन्या राशि वृशिक राशि और मकर राशि भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर कैप्रिकॉन फिर से दिखे हैं मकर राशि स्कॉर्पियोज दिखे हैं वृशिक राशि ओके 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 राइट right, अब अल्फाबेट्स देखते हैं आप हो सकते हैं अपने पर्सन से लॉन्ग डिस्टेंस में हो यहाँ पे टॉरस है वृश्चिक राशि और यहाँ पे स्कॉर्पियोज है वृषभ राशि यहाँ पे वृश्चिक राशि है और यहाँ पे वृषभ राशि है यू नो माय कंफ्यूजन राइट वी हैव डब्ल्यू आई एन यहाँ पे ब्लैंक है तो अग, ओ विन सो uh, so यहाँ पे ब्लैंक है अगर आप अपना नाम बना रहे हैं अपने पर्सन का नाम बना रहे हैं और एक लेटर नहीं मिल रहा है तो उस ब्लैंक को आप वो लेटर अज्यूम कर सकते हैं देन वी हैव एन अगेन वी हैव ई बी ई आर टी एफ एन एच तो ये सारे लेटर्स हैं मेरे प्यारे पाएसीज अपना बहुत बहुत ध्यान रखेगा मैं आपको नेक्स्ट नवंबर की नेक्स्ट रीडिंग में मिलूंगी जब हम आपकी ओवरऑल लाइफ के प्रोडिक्शन करेंगे और प्लीज़ अपना ध्यान रखें ओके बाय